महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एनसीपी में मचे सियासी घमासान को पार्टी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के अंदर कोई समस्या नहीं है। देवड़ा ने एनसीपी के घटनाक्रम पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि एमडीए साझेदारों के बीच सीट बंटवारे पर बाद में चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। एनसीपी के अंदर क्या हो रहा है, इसका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को कमोबेश अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही देवड़ा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के साझेदारों में विकसित हो रहे तालमेल की जमकर तारीफ की। देवड़ा का बयान ऐसे समय आया जब एनसीपी के वर्चस्व को लेकर चाचा शरद और भतीजे अजीत के बीच सियासी जंग जारी है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।